दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि दुबई जाने से पहले आपकी फुल प्रोसेसिंग क्या है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई जाने के बाद पहले दिन से लेकर स्टार्टिंग के 3 मंथ तक आपकी प्रोसेसिंग क्या है, आपके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, आपके साथ वहाँ पर क्या क्या होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ही जानते होंगे कि जब भी हम पहले दिन कहीं पर जाते हैं या पहली बार कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हमें हमारे बारे में कुछ बताया जाता है या सामने वाले के बारे में कुछ हमें बताया जाता है, इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन कराया जाता है हमारी क्या पोस्ट है और सामने जो है वो हमारा सीनियर है या जूनियर है उसका क्या नाम है, इन सिंपली चीज़ों का नाम इंट्रोडक्शन है। और आपका भी सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा, अब चाहे कि पोस्ट आपकी कोई भी हो, चाहे आप किसी लेबर पोस्ट में जा रहे हैं या आपका वीज़ा कोई ऑफिशियल वीज़ा है, डजेंट मैटर, आपका इंट्रोडक्शन इज़ द मस्ट, सबसे पहली थिंग इंट्रोडक्शन। और जो दोस्तों दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा मीटिंग। अगर आपका वीज़ा किसी ऑफिशियल वीज़ा है, कोई ऑफिस लाइन का वीज़ा है, तो आपको 2 या 3 मीटिंग अटेंड करना पड़ सकती हैं और वो मीटिंग रिलेटेड टू वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के होंगी कि आपके कौन कौन से रोल्स होंगे, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सा आपका काम है, कैसा टास्क है, किस तरीके इसको डिलीवरी, डेडलाइन, अचीवमेंट, जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको मीटिंग्स के जरिए बताया जाएगा। और अगर आपकी कोई लेबर पोस्ट है, कोई कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर या कुछ भी हो सकता है, तो इस केस को यानी इस स्टेप को स्किप कर दिया जाता है, तो मीटिंग के चांसेस कमते होते हैं। या हो सकता है कि आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं, आप 10 या 15-20 बंदे एक साथ मिलकर जा रहे हैं, तो सबके साथ एक गैदरिंग हो जाती है, वो भी मीटिंग हो जाती है। तो दोस्तों 2 स्टेप आपके कंप्लीट होगा। अब तीसरा जो स्टेप है ना वो है आपका स्टार्टिंग के पहले ही हफ्ते में आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग। उस वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आपको पहले ही हफ्ते में भेज दिया जाएगा। हो सकता है आपका एक मेडिकल इंडिया में हुआ हो, लेकिन दुबई गवर्नमेंट या GCC कंट्रीज़ आपका इंडिया का मेडिकल को नहीं मानते, वो वहाँ पर अपनी कंट्री का मेडिकल कराते हैं। उसके लिए आपका ब्लड लिया जाएगा और ब्लड टेस्ट होगा, पूरा फुल मेडिकल होगा, जैसा ही आपका इंडिया में हुआ था सेम वैसा ही मेडिकल होगा। अब चाहे आपका वीज़ा कोई भी हो, चाहे आप लेबर में जा रहे हो या फिर किसी ऑफिस लाइन में जा रहे हैं, आपका मेडिकल इज़ द मस्ट। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मेडिकल के साथ साथ आपका फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा भी आपका लिया जाएगा। इसमें आपका आँखों का प्रिंट, नाक का, मुँह का, चेहरे का और हाथ पैरों का, बहुत सारे बायोमेट्रिक डेटा जो भी होता है वो सारा लिया जाएगा। ये 2 काम होते हैं, मेडिकल प्लस बायोमेट्रिक डेटा, जिसको हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 4th स्टेप की तरफ। मेडिकल और फिंगरप्रिंट की प्रोसेस के बाद अगले 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आपकी इमिरेट्स आईडी, जो कि वहाँ की इमिरेट्स आईडी है, वो बनकर आ जाती है। और जैसे ही इमिरेट्स आईडी आपकी बनकर आती है, आपकी कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराएगी। वो डॉक्यूमेंट में आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल और आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें आपका सिग्नेचर और आपका फोटो भी होगा। उस डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा और लीगली तरीके से आपकी सैलरी उसी बैंक अकाउंट में आएगी। और उस बैंक अकाउंट का आपको ओनली ATM दिया जाता है, बाकी जो भी यूज़र नेम, पासवर्ड या नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंक एप्लीकेशन, जो भी कुछ है ना, वो सारा ही कंपनीज के पास रहता है, या हो सकता है कि जिस जो बैंक है उसी के पास रहे। आपको सिर्फ ATM प्रोवाइड किया जाता है, यानी फैसिलिटी के नाम पर ओनली ATM। तो अगर आपकी अच्छी सैलरी है, 5000 प्लस है, तो आप वहाँ पर अपना पर्सनल अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपकी इमीडिएट आईडी आती है, आप पर्सनल अकाउंट के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिसमें आपको फुल कंट्रोल मिलता है। जिस तरह हम अगर हम मोबाइल बैंक एप्लीकेशन यूज़ करना चाहें, नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहें, कुछ भी यूज़ करना चाहें, तो हम अपने पर्सनल अकाउंट से कर सकते हैं, कंपनी के अकाउंट पर हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये 5 स्टेप थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये सबसे पहले सबके ही साथ होते हैं। इसके बाद दोस्तों पहले दिन से लेकर 3 महीने तक आपके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ में टोका जाएगा या आपको परेशान किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपके ऊपर एक ऐसे CCTV कैमरा, आपके ऊपर एक निगरानी रखी जाएगी। इस बंदे के जो भी एटीट्यूड है, जो भी बिहेव है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कुछ है, वो सामने अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, सबको पता होना चाहिए। तो वो आपका एक तरीके से डेटा क्रिएट होता है पहले 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इस बंदे ने कितनी मिस्टेक की, कितने हॉलीडेज़ की, कितने बार अब्सेंट हुआ, कितने बार ये सिक हुआ। ये सारा ही डेटा हमारे हायर डिपार्टमेंट, हमारे HR डिपार्टमेंट में जाता है। और एक तरीके से जिसको हम प्रोविज़न पीरियड बोलते हैं, वो पीरियड हमारा कंप्लीट होता है, जो कि 3 महीने का होता है, कुछ कंपनीज़ में 6 मंथ का भी हो सकता है। अगर आप 3 महीने या 6 महीने से पहले कंपनी को रिज़ाइन करते हो या कंपनी आपको टर्मिनेट कर दिए, तो इस केस में आप कोई भी लीगली फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोविज़न पीरियड एज ए गवर्नमेंट और लेबर लॉ के हिसाब से है।
तो इन चीज़ों को आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ये वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो दुबई जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पर पहले से ही रह रहे हैं, उनको भी आगे मेरी सीरीज जो आने वाली है उसमें बहुत कुछ हेल्प होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।